नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार, ट्यूटोरियल वेबसाइट डॉट कॉम में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोरोना वायरस के बारे में आप सबको पता है और 21 डेज या 22 डेज का लॉकडाउन हो चुका है, चाहे वो किसी भी शहर में आप रह रहे हों। तो इतने दिन आप क्या करेंगे घर पर बैठ के? काफ़ी लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि इतने दिन तक तो क्या करें। मूवी भी कोई पर्सन कितना देख सकता है, 8, 10, 15, 20, या फिर घर पर बैठ कर कोई और काम तो होता नहीं है हमारे पास। तो काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि क्या करें, इस टाइम को कैसे यूज़ करें, बोर भी हो रहे हैं काफ़ी लोग। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपके पास टाइम है, आप इसको चाहें तो अच्छे तरीके से भी यूज कर सकते हैं, या तो आप टाइम को ऐसे स्पेंड भी कर सकते हैं सो के भी। अगर आप चाहते हैं कि इस टाइम को अच्छे से यूज करें, तो आप अगर स्टूडेंट हैं, किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं या टेक्निकल नॉलेज चाहते हैं, तो आप यूट्यूब या फिर इंटरनेट आपके पास सबके पास है, तो यूट्यूब पे जाएं या फिर ब्लॉग के थ्रू जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रीड आउट करें, नई नई चीज़ों को सीखें। अगर आप एक ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो ब्लॉग लिखें, अच्छे कंटेंट सर्च करें। अगर आप टेक्निकल फील्ड से हैं, सपोज आईटी कंपनी से हैं, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आप सीख सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, क्योंकि जो ऑफिस में काम करते हैं जितने भी पर्सन, उनके पास टाइम नहीं होता वर्किंग ड्यूरेशन में कि वो एक नए टेक्नोलॉजी को सीख सकें, क्योंकि टाइम होता नहीं है। ऑफिस टाइम अगर देखेंगे तो 9 to 6 हो जाता है, फिर आने जाने में 9-10 ऐसे ही बच जाते हैं। तो ये टाइम उनके लिए भी बहुत अच्छा है जो ऑफिस में वर्क करते हैं, जो डेवलपर हैं, या जो कॉलेज स्टूडेंट हैं जो नए लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, उन सबके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है नई चीज़ों को सीखने के लिए। तो अपने टाइम को अच्छे तरीके से यूज करें, ऐसा मिस यूज ना करें कि कहाँ यूज करें ये सोचे नहीं, बल्कि ये अच्छा टाइम है, पिक टाइम है, आप इसको यूटिलाइज करें। चाहे वो किसी भी लैंग्वेज की बात करता हूँ, आप किसी भी फील्ड से रिलेट करते हों, ठीक है, अपने फील्ड में आप एक नई चीज़ों को सीखने के लिए बेहतरीन चांस है आपके पास, ताकि जब ये जो भी कोरोना का प्रॉब्लम है वो ख़त्म होगा, तो जब स्टार्ट होगा फिर से ऑफिस या कॉलेज स्टार्ट होंगे, तो उस टाइम आपके पास कुछ नया चीज़ हो, जैसे कि आप खुद को रियलाइज़ कर सको कि इतने टाइम जो छुट्टी आपको मिली, लीव मिली, पूरा प्योरली उसका आपने यूज किया, अच्छी तरीके से उसको यूटिलाइज़ किया और कुछ नई चीज़ें सीखी, ताकि आपको ऐसा एहसास ना हो आफ्टर दिस कि मैंने इस टाइम को बर्बाद किया, इसका कोई यूज नहीं है, मैंने घर पे ऐसे ही सो के मूवी देख के टाइम काटा। तो ये एक छोटा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और ये भी आप जो लोग कंफ्यूज हैं इस चीज़ के लिए कि टाइम को कैसे यूज़ करें, साथ ही साथ आप लोग से ये भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ घर पे रहें, बाहर ना जाएं, लोगों से दूरी जितना ज़्यादा बना के रखेंगे उतना आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट होने के बाद भी मैं न्यूज़ देख रहा था, उसमें बताया काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि बाइक से, कार से, या कहीं भी एक बहाना बना के ट्रैवल करना चाह रहे हैं, मान ही नहीं रहे हैं कि हाँ ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, इससे उनको क्या नुकसान होगा ये समझ नहीं पा रहे हैं लोग। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ घर पे ही बने रहें और अपने आप को सेफ़ रखें। और आपके पास ऐसा नहीं, घर में जैसा मैंने बताया काफ़ी सारे काम हैं जो आप कर सकते हैं, समय का यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों से नाता तोड़ दीजिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ लोगों से बातें करना छोड़ दीजिए, आपके पास और भी ऑप्शन है, फोन कॉल है, वीडियो कॉल है, आज के समय में सोशल नेटवर्किंग इतनी सारी है जिसके थ्रू आप कनेक्ट रह सकते हैं, लोगों से जानकारी ले सकते हैं किसके यहाँ क्या चल रहा है। बट हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों से मिले ही, मिले जुले तभी आपको जानकारी मिलेगी। तो आप ट्रेवल करना छोड़ दें इस टाइम, क्योंकि आप समझ रहे हैं कितना बड़ा प्रॉब्लम है ये कोरोना वायरस, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि आपको इतना लाइटली लेने की ज़रूरत है। अगर एक बंदा भी आपके घर में इससे अगर प्रभावित होता है, तो समझिए पूरा घर आपका ख़त्म हो सकता है, पूरी फैमिली आपकी ख़त्म हो सकती है। तो प्लीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग दूर रहें इन सब चीज़ों से, और जितना हो सके आप सेफ़ रहें, अपने घर वालों को बताएं, फैमिली को बताएं, प्रोटेक्ट करें उनको, क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट की या फिर पुलिस वाले या फिर डॉक्टर की जिम्मेदारी बनती है इस चीज़ के लिए, आपको इतनी गाइडेंस दी जा रही है उसके बावजूद भी अगर ये प्रॉब्लम होती है आपके साथ, तो इसके लिए कोई और नहीं, सिर्फ आप ही जिम्मेदार होंगे। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और इसी तरीके से आप हमारे चैनल में बने रहें, मैं कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको गाइड कर सकूँ, चाहे वो वीडियो से रिलेटेड हो, कंटेंट आपका टेक्निकल हो, या कुछ भी हो। तो आज के लिए रुकते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।